नमक हमारे खाने का अहम हिस्सा होता है और नमक पर कई सारी चर्चाएं छड़ी है हुई हैं खाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और खाने में अगर नमक ना हो तो खाने का स्वाद नहीं है कि दिस सॉल्ट इज द कल्प्रिट फॉर मेनी आर बीइंग डिजीजेट इन द सोसाइटी दीज डेज थायरॉइड की प्रॉब्लम आजकल मेजर प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में उसके अलावा बीपी की प्रॉब्लम आ रही है कार्डियोस्कुलर प्रॉब्लम्स आ रही है हार्ट को बहुत ज्यादा पंपिंग करनी पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं सारा कुछ मुझे लगता है नमक इज वन ऑफ द कल्प्रिट्स फॉर ऑल दोज प्रॉब्लम्स नमस्कार डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं भी स्वागत करता हूं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला डॉक्टर रोजी सिंगला आपका बहुत बहुत स्वागत है डी फाइव चैनल हिंदी में सारे श्रोतागणों को मेरी प्यार भरी नमस्ते नमक हमारे खाने का अहम हिस्सा होता है और नमक पर कई सारी चर्चाएं छड़ी हुई है कौन सा नमक खाना चाहिए तो आज हम इसी पे बात करेंगे डॉक्टर रोजी सिंगला के साथ कौन सा नमक खाना मैम अच्छा होता है देखिए पहले तो हमें ये आ, क्योंकि हमारी बॉडी में हम खाना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और खाने में अगर नमक ना हो तो खाने का स्वाद नहीं है ठीक है ना खाने को स्वाद बनाने के लिए उसमें रुचि पैदा करने के लिए नमक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो नमक अब सब बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि नमक खाएँ कौन सा ठीक है क्योंकि नमक ने आजकल बहुत सारी पहले हम लोग जो पुराने टाइम में हम नमक खा रहे थे और वो जो हमारा नमक है दैट हैज़ बिन रिप्लेस बाय वाइट टेबल सॉल्ट तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस वाइट टेबल सॉल्ट इज द कल्प्रिट फॉर मेनी डिजीजेज विच आर बींग प्रवलेंट इन द सोसाइटी दीज डेज थायरॉयड उनमें से एक है ठीक है बहुत सारी कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है बीपी बढ़ रहा है बीपी लो हो रहा है मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इवन ओबैसिटी इट इज लिंक्ड विद सॉल्ट तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें नमक कौन सा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी डाइट के थ्रू हम कौन सा नमक अपनी बॉडी में इंक्लूड करें और इनकॉर्पोरेट करें तो भी भोर जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमें कौन सा नमक खाना चाहिए हमें मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट हमने सेंधा नमक की हमेशा सुना होगा ऑडियंस ने भी सबने सेंधा नमक के बारे में सब जानकारी होगी तो सेंधा नमक को आपने अपनी बॉडी में इंक्लूड करना है जो कि अपने आप में एक नेचुरल सोर्स है हमारे सॉल्ट का अब वाइट टेबल सॉल्ट क्या है कि उसको हमने क्यों नहीं लेना है पहले तो वाइट टेबल सॉल्ट आ कहां से रहा है वाइट टेबल सॉल्ट आ रहा है समुद्र से सी से अब वो समुद्र से आ रहे हैं उसको इकट्ठा किया जाता है सी शोर पे तो बहुत उसमें गंदगी होती है बहुत ज़्यादा मतलब वो आ, अगर आप देखोगे जिस टाइम पे उसको इकट्ठा किया जाता है ढेरियां बनी होती हैं उसकी बहुत सारी हीप्स होते हैं तो दे आर वेरी मतलब मडी टाइप का उसका जो टेक्स्चर है या उसका जो प्रेजेंट प्रसेंट प्रेजेंटेशन है दैट इज़ वेरी मडी तो उस सारे को रिमूव करके उसको रिफाइन किया जाता है क्योंकि उसको प्रेजेंटेबल बनाना है ना तो so, रिफाइनिंग के लिए सो मैनी ब्लीचिंग एजेंट्स दे आर ब्लीचिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं उसको वाइट करने के लिए अब ये जो वाइट टेबल सॉल्ट है रिफाइनिंग तो इसकी हो गई पर क्योंकि ये समुद्र से आ रहा है समुद्र में तो बहुत सारा प्लास्टिक है तो कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक भी जो है वो वाइट सॉल्ट में चला गया है तो वो वो रिफाइनिंग के टाइम पे भी जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो रिमूव नहीं हुए बिस्फिनॉल ए बी पी ए ये सारे जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं दे आर हाईली कैंसर काजिंग तो ये भी मतलब एक मतलब कल्परिट बनाते हैं वाइट टेबल सॉल्ट को सो इट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडिड इफ इट कैन मुझे लगता है कि अगर वाइट टेबल सॉल्ट आपको सिर्फ एडिटिव्स और प्रजर्वेटिवस ही नहीं दे रहा ये माइक्रोप्लास्टिक्स भी जो कैंसर काजिंग सब्सटांसेस हैं ये भी आपकी बॉडी में इंक्लूड हो रहे हैं थ्रू वाइट टेबल सॉल्ट तो इट्स बेटर कि आप इसको अवॉइड करके कंप्लीटली नेचुरल सोर्स पे जाएं सेंधा नमक पे जाएं विच इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ सॉल्ट क्योंकि हमें जो पैकेट्स में व्हाइट सोल्ट मिल रहा है टेबल सोल्ट वो बिल्कुल प्योर व्हाइट इन कलर है मिला कैसा और बन कैसा गया है ना तो उसमें बहुत so, हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है कि इट रेडिली एब्सॉर्ब मॉइस्चर वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी डली बन जाती है केक बन जाता है तो वो डली वाला केक किसी को अच्छा नहीं लगता और एडवर्टी मेंट्स बहुत फैंसी एडवर्टीजमेंट्स दे ऑलवेज स्ट्राइक द कस्टमर बाय सेइंग कि हमारा जो ये का नमक है सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू से एनी नेम एनी ब्रांड नेम हेयर बट वो जो नमक है दैट इज फ्री फ्लोइंग सॉल्ट है ना तो वो फ्री फ्लोइंग बन कैसे रहा बिकॉज दे आर यूजिंग सम एंटी केकिंग एजेंट्स इन दैट तो बहुत सारे एडिटिव्स प्रेजर्वेटिव ये सब कुछ नमक में डल के तब वो व्हाइट टेबल सॉल्ट हमारी टेबल पर पहुंच रहा है हमारे फूड में जा रहा है और उसके थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है इट मीन्स हम सिर्फ नमक ही नहीं खा रहे हैं हम उसके साथ बहुत सारे केमिकल्स खा रहे हैं इसका एक और चीज़ आपको बता दूं इसमें सिर्फ मतलब इसमें अब आपको मिनरल्स के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा बिकॉज रिफाइनिंग के टाइम पे अगर कुछ मिनरल्स उसमें थे सो दोज मिनरल्स दे आर बींग रिमूव्ड तो उसमें एक बड़ी फैंसी सी चीज आपके लिए डाल दी गई थी टेबल सॉल्ट को आ, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कि दैट नमक इज फोर्टिफाइड विद आयोडीन अब ये आयोडीन इट इज ऑल्सो अ मिनरल तो ये डाला इसलिए गया है कि हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो तो क्या एवरीबडी इज डेफिशिएंट इन आयोडीन नो आयोडीन की ज़रूरत उसको है जो जिसकी बॉडी में आयोडीन नहीं है सबको तो उसकी ज़रूरत नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के फंक्शंस को हमारे थायराइड के फंक्शंस को उस आयोडीन ने डिसरप्ट कर दिया और वो हमारा हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स थायराइड की प्रॉब्लम आजकल मेजर प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में उसके अलावा बी की प्रॉब्लम आ रही है कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स आ रही है हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं सारा कुछ मुझे लगता है नमक इज़ वन ऑफ द काल्प्रेट्स ऑल दोज प्रॉब्लम्स। सो नमक को अगर हम वेजिटेबल सॉल्ट को अगर हम रिप्लेस कर देंगे सेंधा नमक से तो वो हमारी बॉडी हीलिंग की तरफ जाएगी हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से अपने आप में उसमें सारे मिनरल्स उसको बॉडी को प्रोवाइड होंगे सेंधा नमक खाने का क्या फायदा है क्या मेडिकल बेनिफिट्स है देखिए सेंधा नमक में बहुत सारे मिनरल्स है मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत कूट कूट के उसमें मिनरल्स भर है सेंधा नमक बन कैसे रहे सेंधा नमक बन रहा है सॉल्ट मतलब एक रॉक से आ रहा है ठीक है हिमालयन रॉक्स हैं पिंक हिमालयन सॉल्ट करके इसका नाम भी आता है ब्रांडिंग जो होती है पिंक हिमालयन सॉल्ट तो वो रॉक ए नेचुरल सोर्स है पहले तो उसमें कोई भी उसमें कोई मिल, चीज़ मिलाई नहीं गई उसको रिफाइन नहीं किया गया तो उसका मतलब वो प्योर फॉर्म में हमारे तक पहुँच रहा है ठीक है पैकेट्स में उसको बस उसको क्रश किया गया उसका पाउडर बनाया गया और वो हम तक पहुंच गया उसमें अब बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को एक हद हाँ तक रिक्वायर्ड है जैसे मैग्नीशियम पोटासियम फास्फोरस, सेलेनियम जिंक ये सारे मिनरल्स हमें हमारी बॉडी में अब हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को मिनरल्स हमें पानी से मिल रहे हैं बट आर के कारण हमें वो मिनरल्स भी हमने कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से दूर कर दिए हैं कि वो हमें ना मिले है ना हमने पानी को इतना प्योरीफाई कर दिया कि वो हमारी बॉडी को ही आ, कहीं ना कहीं हमें मिनरल से डेपरीवेट कर रहा है तो उसमें हम मिनरल्स कैसे इनकॉपरेट कर सकते हैं थ्रू सॉल्ट थ्रू सेंधा नमक तो सेंधा नमक हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स को इनकॉपोरेट करते हैं जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है और आयोडीन मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि आयोडीन हमें एज सच बहुत सारे फूड्स हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है चाहे अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनकी तो सी फूड की डाइट है सी फूड में तो बहुत अच्छा सोर्स है आयोडीन का ठीक है और बाकी भी जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आयोडीन मिल रहा है उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लेग्यूम्स में आयोडीन की मात्रा इतनी है कि वो हमारी बॉडी को अवेलेबल हो रहा है दिनचर्या में हमारी नमक कितना इंटेक करना चाहिए हमें देखिए विभोर नमक जो है वो पांच ग्राम मतलब मुझे लगता है कि हमारी बॉडी के लिए सफिशियंट है पांच से दस ग्राम लगा लो इससे ज्यादा तो हमें सारे सारे दिन में नमक की जरूरत भी नहीं है हमारी बॉडी को तो फाइव ग्राम ही सफिशियंट अभी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग नमक ले रहे हैं फ्राम आउटसाइड सोर्सेज घर में तो जो सब्जी में डल रहा है जो खाने में डल रहा है वो नमक सफिशेंट है बट वॉट वॉट वी आर डूइंग एक्चुअली दीज डेज हमने कहीं बार बर्गर खा लिया कहीं पिज़्ज़ा खा लिया कहीं टिक्की खा ली कुछ भी ऐसा कोई चिप्स खा लिए बच्चे तो पैकेट का पैकेट चिप्स का खा जाते हैं या मैगी के ऊपर बच्चों ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है तो वो जो है वो एक्सेसिव सॉल्ट तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो हमारा जो सॉल्ट का इंटेक है वो पाँच पाँच नहीं वो पैंतीस हो जाता है ठीक है ना तो दैट इज़ एक्चुअली डिजास्टर टू आवर बॉडी तो, तो मतलब हमें अपनी बॉडी में इतना एक्सेसिव सॉल्ट को नहीं लेना है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को गला देगा नमक गलाने का काम कर रहा है अगर आप एक अच्छी अमाउंट में ले रहे हैं तो वो बहुत हेल्पफुल है अगर आप उसको बहुत एक्सेस में ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के सेल्स गलने शुरू हो जाते हैं तो एक्सेसिव सॉल्ट को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है हाथ पैर सूझना शुरू हो जाते हैं तो मतलब नमक हमने बहुत सोच समझ के अपनी बॉडी में इंक्लूड करना है और इसकी एक क्वांटिटी होनी चाहिए

तो अगर लस्सी बनाई है या कोई भी आप लिक्विड बना रहे हो कोई नींबू पानी बनाया तो यू हैव टू स्प्रिंकल सेंधा नमक ओवर इट इंस्टेड ऑफ कि उसको पहले ही मिला देना और सब्जियों में मैं हमेशा कहती हूँ बिकॉज सोडियम क्या है दैट सोल्डर्स फैट तो हमारा जितना फैटी हमें एक्चुअल में फैटी fat, जो घी हमने सब्जी में यूज किया है वो इतनी फैटनिंग कॉज नहीं कर रहा जो नमक हमने स, मिला दिया उस फैट के साथ वो हमें एक्चुअल में फैटनिंग कर रहा है बिकॉज सोडियम इट शोल्डर्स फैट तो हमें नमक को हमेशा सब्जी में एंड में डालना जब आपकी सब्जी रेडी हो गई तो कोशिश करें कि आप सबसे एंड में सॉल्ट को डालें इंस्टेड ऑफ कि आप सारे मसाले एक साथ डाल रहे हैं तो साथ ही आपने घी में नमक भी डाल दिया दैट इज अ बैड प्रैक्टिस यू डोंट हैव टू फॉलो दैट उसके मतलब ये एक टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे अगर आप नमक को बाद में यूज कर रहे हो स्प्रिंकल कर रहे हो तो उस फॉर्म में आपको नमक फायदा देगा नुकसान नहीं करेगा सेंधा नमक के मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या हैं कैसे शरीर पर प्रभाव डालता है सेंधा नमक मैंने कहा कि वो आपके भोजन में एक तो आपको मतलब रुचि प्रोवाइड कर रहा है ना टेस्टी बना रहा है फूड को उसके अलावा सेंधा नमक हमारी जो जठराग्नि है उसको एक्टिवेट करता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है हमारे हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है ये हमारे बॉडी की वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है क्योंकि वात पित्त और कफ अगर बैलेंस में है तो आपकी बॉडी अपने आप में एक मतलब एक अच्छी एक्टिवेटेड बॉडी है एनर्जाइज्ड बॉडी है अगर आपका वात पित्त और कफ हम वात पित्त और कफ के आयुर्वेदा में बात करते हैं कि ये तीन दोष हैं और ये बैलेंस में रहने चाहिए तो सेंधा नमक इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन बैलेंसिंग दीज थ्री वात पित्त एंड कफ उसके अलावा आपके बॉवल मोवमेंट्स को सेंधा नमक इम्प्रूव करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है ऑस्टियो में ऑर्थराइटिस में सेंधा नमक बून है क्योंकि जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको इमीजिएटली दे शुड स्विच ओवर टू सेंधा नमक इंस्टेड ऑफ वाइट टेबल सॉल्ट व्हाइट टेबल सॉल्ट तो उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना चाहिए अपनी डाइट से जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है सेंधा नमक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ग्रोथ के लिए इनिशियल ग्रोथ के लिए सेंधा नमक में कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हेल्पफुल है टू हेल्प देम ग्रो एक्सेसिव सोल्ट लेने के क्या नुकसान है? एक्सेसिव से तो एक तो बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि हमें अगर अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हम नमक खा रहे हैं तो वो पानी को रिटेन करना शुरू कर देगा सेल्स में से पानी भरना शुरू हो जाएगा उसके अलावा शरीर को गलने का काम शुरू हो जाएगा सेल्स का मतलब श्रिंकेज शुरू हो जाएगी तो सॉल्ट को एक बैलेंस में लेके चलना वात पित्त और कफ आपका डिस्टर्ब हो जाएगा इम्बैलेंस हो जाएगा तो बॉडी में आपके वायु दोष बढ़ेगा या पित्त दोष बढ़ेगा तो इसको एक बैलेंस करके एक सटल अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है गले के लिए नमक फ़ायदेमंद होता है या उसे कैसे ले सकते हैं हम जितनी हमारी थ्रोट की प्रॉब्लम्स हैं जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हो गई है सो थ्रोट है कई जैसे कोई गला खराब हो गया कोल्ड है कफ है तो उसमें भी सेंधा नमक के गार्गल्स बहुत इफेक्टिव हैं आप सेंधा नमक को पानी में डाल के हल्का ल्यूक वार्म वाटर में सेंधा नमक को का आप हाफ हाफ टी स्पून से वन टी स्पून तक नमक डाल के उसके गार्गल्स करें इमीजिएट रिलीफ है आपको सॉर्ट थ्रॉट से थ्रोट की इन्फेक्शन अगर आपको हो रही हैं तो आपकी वॉइस भी क्लियर होती है सेंधा नमक से जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अत्यंत सर्वत्र वर्जते हाथी हर चीज की बुरी है सो नो एक्सेसिव सॉल्ट जस्ट मॉड्रेशन इज द की बहुत कम अमाउंट में अगर आप नमक को इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में तो ये सेंधा नमक आपके लिए वरदान है हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं देखिए मेरा कांटेक्ट नंबर मैं बता देती हूँ सो so, जिनको कोई ऐसा लगता है कि मुझसे कांटेक्ट करना, करना है मुझसे बात करनी है तो दे कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर वन फाइव जीरो एट फोर डबल थ्री डॉक्टर रोजी सिंगला आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आप हमारे साथ जुड़ी आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार